लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। प्रयागराज मेजा सीएससी रामनगर के अधीक्षक चौथी बार विवादों के घेरे में। पक्का पुल नव निर्माण संघर्ष समिति एवं जन सुनवाई फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक शैलेश चंद्र द्विवेदी का घेराव किया गया, जिसके कारण एक बार फिर से वे विवादों के घेरे में। आरोप है कि अधीक्षक महोदय कई वर्षों से कार्यरत हैं, इनके द्वारा बाहर की दवाएं लिखना, उनके रैपर फाड़ पास रखकर कमीशन लेना, रैबिज इंजेक्शन 20 रुपए से 50 रुपए तक लेना, JSY के डिस्चार्ज का 200 से 300 रुपए लेना, जैसे कई आरोपों से घिरे हुए। वहीं अधीक्षक जी का कहना है कि 15 दिन के अंदर सारे आरोपों का निस्तारण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, www.indialivenews.co.in। नमस्कार।